हेलो हेलो मिस्टर शर्मा, मैं रजनी धोरे बात कर रही हूँ अमर जयंती ओल्ड एज होम से। मैडम एक मिनट, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। हाँ जी मैडम बोलिए। आपने इजी सेल ऐप पे अपना वार्डरोब डाला था ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं, बट डिलीवरी आज ही चाहिए। ठीक है, लेकिन 5 बजे तक भेजिएगा, अभी घर पे कोई नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में बोलकर आपका पेमेंट प्रोसेस करवा देती हूँ। वैसे आपके पास पे मोबाइल ऐप तो है ना? हाँ है। वेरी नाइस, तो अभी हमारा अकाउंट पर्सन आपको एक QR कोड भेजेगा, आप उसे प्लीज स्कैन कर लीजिएगा, अपना पिन नंबर डाल देना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी मिल गया। अब उसे आप स्कैन कर लीजिए और पिन नंबर डाल दीजिए। हाँ हो गया मैडम। अभी एक मिनट बाद आप चेक कीजिएगा, हमारे यहाँ से तो पैसे जा चुके हैं। ओके। हाँ जी ओके, श्योर श्योर। और हाँ, शाम को 5 बजे हमारे आदमी आ जाएंगे सामान की डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है? तिलक जी, कितने का हाथ मारा? पूरे 1,00,000 रुपए। ओ बाप रे बाप। अरे रजनी जी, अरे दुपट्टा क्यों बांध के रखा है? फील के लिए। नाम और चकाचौंध के पीछे भागने वाली इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अंदर बुरी मंशा लिए गुमनामी की जिंदगी जीने को तैयार है। गुमनामी को ना कोई छू सकता है, ना कोई देख सकता है, ना कोई खोज सकता है, लेकिन कब तक? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मतलब ये क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने मना किया ना काम करने से। लाओ इधर, सब नीचे गीला पड़ा है, अब पैर फिसल जाता तो फिसल जाता तो मैं उससे क्या? अब ये फालतू केयर दिखाने का नाटक मत करो। अमला, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। चलो ये सब छोड़ो, तुम यहां आराम से, आराम आराम से, ठीक है? चलो ये फ्रूट्स खा, मुझे तुम और हमारी बेटी दोनों एकदम तंदुरुस्त चाहिए। मुझे 9 बजे का एक पिकअप है, मैं निकलता हूं। निकलता हूं। और हाँ, रात को आते आते मैं स्टेशन रोड से कचोरी लेकर आऊंगा। तुम्हें खाने का मन कर रहा था ना, तो खाना मत बनाना। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ बोलिए सर। एक लंबा भाड़ा है कल का, दिल्ली जाना होगा, 2 दिन बाद लौटना है, जाओगे? जाऊंगा ना सर, आप बस डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। पक्का ना अजीत, तुम लगातार ड्राइव कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये मेरा रेगुलर कस्टमर है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? सुरभि, डर डर के जीना छोड़ दो, वो विष्णु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं। बोलेगी? अपने माँ बाप को बोलेगी, शिकायत का मौका देगी, और उसे हमदर्द तेरा शौहर उससे बोलेगी? नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी तुझे ना? विष्णु क्या कर रहे हो? ऐसा सबक सिखाता हूँ ना कि
जिंदगी में कभी भी तू अपना मुंह दोबारा नहीं खोलेगी। अमला को पता है तुम यहाँ आए हो? नहीं, वो प्रेग्नेंट है। ऐसे समय मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए बता नहीं सकता। समझती हूँ मैं। ये देखो, तुम्हारे लिए कचौरी लेके आया हूँ। कॉलेज में बहुत खाती थी ना तुम, आमला के लिए ले रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। ये अभी तक साइन नहीं किया तुमने, तुम भी किसके लिए रुके हो? तुम क्या मिलेगा इस रिश्ते में बंधे रहकर? एक तो बड़ी मुश्किल से उस घर से निकली हो बाहर। सुरभि, प्लीज मुझे माफ कर दो। अजीत, तेरी इतनी हिम्मत? विष्णु, मेरी पत्नी है वो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, सुरभि से दूर रहना। चलो, ज्यादा सोचो मत, साइन कर दो, मैं दो दिन में आके जमा करा दूंगा। चलो, मैं निकलता हूँ, हमला वेट कर रही होगी। तुम खाकर नहीं जाओगे? नहीं, मुझे कल सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलना है। कार तो चालू कंडीशन में, इस बीच रास्ते में कौन छोड़कर गया होगा? सर, बैक रोड की एंट्री चेक कर रहा था मैं, वहाँ ना कोई शॉप ना एटीएम, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिल पाएगा। कार थोड़ी पीछे लेना। रोड पर कोई स्कीड मार्क्स नहीं है, कार की टायर के हल्के निशान है। ऐसा लगता है ड्राइवर ने अचानक से कार रोकी होगी। एरिया को देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई क्राइम एक्सीडेंट हुआ है। सर, कार में से रजिस्ट्रेशन पेपर मिला है, किसी अजीत शर्मा की है कार, और लोका कैब में रजिस्टर भी है। इस अजीत का एड्रेस क्या? नहीं मम्मी, अभी तक फोन बंद है उनका। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? लगता है अजीत आ गए, मैं आपको फोन करती हूँ वापस। क्या ये अजीत शर्मा का घर है? जी सर, मैं उनके वाइफ हूँ, अमला शर्मा। क्या हुआ है? अभी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, कल रात से उनका फोन बंद आ रहा है। क्या ये उनकी कार है? हमें खाड़ी बैक रोड पर मिली थी। ये कार तो उनकी है, लेकिन मेरे पति, उनको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक है ना? ऐसा तो हमें कुछ मिला नहीं जिससे लगे कि कोई क्राइम हुआ, बस उनकी कार बीच रोड पर खड़ी थी। आप रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए, शायद वहाँ कहीं गए, और अगर फिर भी आपको कुछ लगे तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिए। हेलो अमला, क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? अजीत वही है ना? सच सच बताओ सुरभि। हाँ, कल रात को कुछ 9:30 बजे आया था, कचोरी देकर चला गया, 5-10 मिनट ही रुका था। क्यों मिलते मेरे पति से तुम? कर दी ना तुम्हारी मदद, तो पीछा छोड़ दो उनका। अमला, मैं जानती हूँ कि तुम्हें। हेलो हेलो अमला, सर सुबह 9 बजे से यहाँ बैठी हैं, क्या आपसे कुछ बात करना चाहती हैं? वो अजीत शर्मा की कार चेक हुई? यस सर, लेकिन कैब के अंदर कुछ मिला नहीं, ना ही कोई ब्लड ट्रेसेस, ना ही स्ट्रगल के निशान। ठीक है सर, मेरे पति के बारे में कुछ पता चला? देखिए, हमें लगता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ। सर, आपको अजीत को ढूंढना ही पड़ेगा।
आप ऑफिशियली एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। अगर 24 घंटे बाद वो नहीं आते हैं तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। 24 घंटे प्रोटोकॉल है, आज भर तो रुकना ही पड़ेगा। देखिए शायद वो खुद से ही घर आ जाए। थैंक यू सो मच। अरे भाई 3.5 लाख रुपए जमा हो चुके, अब बस करते हैं, थोड़ा गैप ले लेते हैं। अबे बेवकूफ है क्या, मुझे कार लेनी है, 3.5 लाख रुपए में मेरे हिस्से में कितना आएगा, कितने अकाउंट बचे? कुछ 4 या 5। तू लिस्ट निकाल, मैं बकरे पकड़ता हूँ। डन। लीजिए। अरे तुम अभी ले आई? पिया को आ जाने दो, 9 बज रहे हैं, बस आती होगी। अरे आप खाना तो शुरू करो, उसके चक्कर में रहोगे तो ठंडा हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, उसे आ जाना था। लगता है आ गई, मैं देखती हूँ, आप शुरू कीजिए। अरे देखना बात नहीं, दरवाजा खोलो पहले। दिया? दिया? क्या हुआ इसे? दिया? दिया क्या हुआ? क्या हुआ दिया? शांति, एम्बुलेंस बुला तू। दिया? दिया? दवाई लेकर सो रही है शांति। क्या हम पुलिस के पास ना जाकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? एक बार फिर सोच लेते हैं, सुबह दिया से बात करके फिर डिसाइड करते हैं। हे भगवान। भर की कमाई थी, डबल शिफ्ट करके बचाया था। अजीत पैसे का क्या है, पैसा तो फिर से कमा लेंगे ना, प्लीज आप मत जाइए, आपको मेरी कसम है। सर मैं अजीत शर्मा मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। 24 घंटे हो गए? हाँ सर, परसों रात 9 बजे अजीत ने अपनी वाइफ अमला को फोन किया था। अजीत के 1 साल का CDR भी चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है। ये अजीत काम कहाँ करता है? लोका कैब कंपनी में। सर उस कैब कंपनी के सारे कस्टमर से भी बात की मैंने, वहाँ पर भी सब कुछ क्लियर है। बस ये 4 नंबर है जो कि नॉट रीचेबल है या तो स्विच ऑफ है। ट्राई करते रहो, बात हो जाए तो बताना। सर एक और बात है, अजीत का रोजाना घर जाने का रूट GVP रोड है। 22 जनवरी की रात को 9 से 12 बजे के बीच वहाँ हैवी ट्रैफिक जाम है। हो सकता है कि अजीत ने खाड़ी वाली बैक रोड को चुना हो घर जाने के लिए। यानी कि तुम्हारा मतलब है अजीत का वो रूट रूटीन रूट नहीं था? नहीं सर, मैं था अजीत ने स्टेशन रोड से कचौड़ी खरीदी अपनी वाइफ के लिए। अगर उसे भागना ही था तो वो इतनी मेहनत करता क्यों? सर ये रॉबरी का मामला हो सकता है, पिछले 6 महीने में कुछ कैब ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसा कुछ हुआ है वहाँ। लेकिन अजीत का वॉलेट तो उसकी गाड़ी में था, इनफैक्ट उसमें कुछ पैसे भी थे, चोर पैसे छोड़कर क्यों जाएगा? सर हो सकता है कि चोर के साथ हाथापाई में कुछ गलत हुआ हो और चोर बिना पैसे लिए भाग गया हो। चलो तुम्हारी बात मान भी लूं, तो चोर अजीत को साथ में क्यों लेके जाएगा? सर किडनैपिंग का भी नहीं लगता, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है। ये अमला जी से बात करनी पड़ेगी, थाने कब आ सकते हैं वो? सर उनके नेबर का फोन आया था, कल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, फिलहाल उनसे भी बात नहीं हो सकती। आखिरी बार बोल रहा हूँ, सुरभि से दूर रहना। दिया चल बेटा खाना खा ले। चल बेटा बात कर मुझसे, किसने किया ये सब? तू कहे तो हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं। पुलिस में जाने से क्या होगा, उल्टा इसे तकलीफ ही होगी, बार बार हादसा दोहराना पड़ेगा, और कोई पकड़ा भी गया तो बरसों तक केस खींचेगा। लेकिन हमारी दिया, 3-4 दिन हो चुके हैं और फिर पुलिस के सामने ये साबित करने बैठेंगे कि कुछ हुआ भी था या नहीं, इसके पास जाने से बदनामी होगी। दिया के पास जाने से बदनामी होगी। दिया, दिया बेटा दरवाजा खोल, ऐसे नहीं करते बेटा।
दरवाजा खोल। सर अजीत शर्मा की बॉडी है। सर लगता है इसी पत्थर से मारा गया। मैं तो लगता तो यही है। कुछ दिन पहले इसका मर्डर हुआ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही है? रास्ते में सर। सर यहाँ चाकू मिला है। तो किचन नाइफ लगता है। फॉरेंसिक के लिए भेजो। यस सर। सर बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं मिस्टर शर्मा को बुला लेता हूँ। हुआ था अजीत शर्मा के साथ? इतनी निर्मम हत्या उसकी किसने और क्यों की थी? वहीं दूसरी ओर दिया नायक को बड़ी क्रूरता के साथ एक घिनौने जुर्म का विक्टिम बनाया गया और फिर उसकी आत्मा तक को कुचल दिया गया। क्या इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन था? क्या आने वाला कल इस गुत्थी का हल देगा या फिर आने वाले कल में ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझने वाली थी? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके डेबिट कार्ड पे 45,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हुए हैं। क्या आप अपने पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कराना चाहेंगे? आपके फोन पर एक पिन नंबर आएगा। अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या वो पिन नंबर कंफर्म करेंगे? हो गया सर, आपको एक मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इसे कहते पढ़े लिखे गवार, एक्स्ट्रा पैसे के लालच में कुछ भी मान जाते। ये क्या 2.5 लाख रुपए निकाल लिए? थोड़ा कम उड़। तुझे उड़ना था ना गाड़ी में, मजे कर। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। मैं चैलेंज मारता हूँ। अच्छा, और ट्रेस कर लिया तो? नाम बदल दूंगा। शिवानी क्या कर रही हो तुम? शिवानी, शिवानी शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो यार? फिर मैं सच में डर गई थी, मुझसे ये सीन नहीं होगा। स्वीटहार्ट, हम शूटिंग कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है ये। आई नो, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है यार। शिवानी तुम समझने की कोशिश करो यार, तुमको पता है और इस सीरीज में मेरे पैसे लगे हुए हैं। पूरी यूनिट लेके मैं अलीगढ़ आ चुका हूँ। अभी सीरीज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ओके कूल, कोई बात नहीं, आज हम पैकअप करते हैं, कल फ्रेश मूड से करेंगे सीन। ओके पैकअप। सर अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी हत्या 1 हफ्ते पहले हुई थी, जिस दिन वो लापता हुआ था, यानी 22 जनवरी। अजीत के अपर बॉडी पे चाकू से 9 बार वार किए गए, 52 टाइम लेसिटेशन किया गया। ये चाकू जो हमें मर्डर स्पॉट से मिला था, स्टैब वुंड से मैच भी करता है। ये रैंडम किलिंग नहीं लगती, पर्सनल एंगल लगता है। शायद किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होगा अजीत पर। मैं तो, ये चाकू बहुत ही कॉमन है, हर घर में मिल जाएगा। इसके थ्रू कातिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सर इसके अलावा अजीत के गर्दन पर गला दबाने के निशान भी मिले। सर पर पत्थर से मारा गया, हाथ और पैर को भी रस्सी से बांधा गया था, उसके भी निशान मिले। वो पत्थर जो हमें अजीत की बॉडी के पास से मिला था, उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले? सर क्राइम स्पॉट और डेड बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट्स या डीएनए नहीं मिला। और अजीत का फोन स्विच ऑफ है, ट्रैकिंग पर डाला है सर। 22 जनवरी की रात 10:45 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था और लास्ट लोकेशन मर्डर स्पॉट ही है। अमला ने कुछ बताया? सर मर्डर वाले दिन अमला घर पर ही थी और अजीत भी रोजाना 8:30 बजे घर से निकला था। दिन में 2-4 बार कॉल भी किया था अजीत ने। सर हमारे यहाँ तकरीबन 150 डाइवोर्स रजिस्टर्ड है,
लेकिन सर अजीत का या दूसरे ड्राइवर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अजीत बहुत प्रोफेशनल था, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई उसकी। एक बात है सर, मुझे नहीं लगता वो कितना कनेक्टेड है। बताइए। कुछ 10-11 महीने पहले एक बार और यहाँ पुलिस आई थी, एक कस्टमर के बारे में पूछ रही थी। कौन था वो कस्टमर? एक एक्ट्रेस है, शिवानी राघव, हमारे रेगुलर कस्टमर थी, मिसिंग हो गई थी। शिवानी क्या कर रही हो यार, पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। फिर मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी ये क्या ड्रामा है, तबीयत ठीक नहीं है मतलब? अगर तुमको इस तरह के सीन करने में प्रॉब्लम है तो घर पे सती सवित्री बनके बैठो। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे अनप्रोफेशनल न्यूकमर को चांस दिया। अब तुम अपनी लाइन क्रॉस करो। प्लीज, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ सबको पता है यू गॉट लकी दैट आई गेव यू दिस चांस, वरना तुम जैसे आर्टिस्ट की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता। शिवानी क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? शिवानी सच सच बताओ, वेब सीरीज का शूट खत्म होने के बाद तुम वापस मुंबई चले जाओगी ना? तो जाना पड़ेगा ना, एडिट है, आगे का काम है। और हमारा क्या? हमारा क्या मतलब? हमारे रिलेशन का, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? शिवानी तुमको सब कुछ पहले से पता है, हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें गलत लगा, ये सिर्फ एक फीलिंग है। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, 3 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है रूपाली के साथ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, भले ही मुंबई जाके मुझे रूपाली को सब कुछ सच सच बताना पड़े। फरवरी 2019 में शिवानी राघवन मिसिंग हुई थी, यह अलीगढ़ की स्मॉल टाइम एक्ट्रेस थी। आप कैब कंपनी क्यों गए थे? मैडम मैं आऊँ पिकअप करने? नहीं, मैं चली जाऊंगी, पता नहीं फिर मैं यहाँ कब तक रहूंगी। मैम इतनी रात को यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलेगी, आप एक काम करना, आपका हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, मैं आसपास की सवारी लेता हूँ, पर इतनी रात को यहाँ पे सवारी मत लेना, ये सेफ नहीं है। अजीत शर्मा जी सर, मैं ही हूँ। कल रात तुमने शिवानी राघवन को पिक और ड्रॉप किया था? उनके शूट के बाद मैं ही उन्हें पिकअप करता हूँ। कितने बजे और कहाँ ड्रॉप किया था? ये शिवाजी पार्क के पास जो जॉगर्स एरिया है वहाँ पर, कुछ 9 बजे के आसपास, वो अक्सर वहाँ जाती है। अगर शिवानी राघवन तुमसे कॉन्टैक्ट करती है तो तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करना, वो एक मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है। मर्डर? वीर की लाश मिली थी, और शिवानी? शिवानी तब से मिसिंग है, शूटिंग के सेट से पता चला था उन दोनों के अफेयर का। वैसे वीर की फियांसी आई थी मुंबई से बॉडी को आइडेंटिफाई करने, लेकिन उसको शिवानी के बारे में ज्यादा नहीं पता था, उसको सिर्फ इतना ही पता था कि शिवानी वीर की वेब सीरीज में हीरोइन है। इंस्पेक्टर खान, वीर की लाश मिलती है, उसके बाद से शिवानी गायब है, उसके 11 महीने बाद शिवानी का रेगुलर कैब ड्राइवर अजीत की लाश मिलती है, क्या आपको लगता है ये सब कनेक्टेड है? लीड तो है, फॉलोअप करना चाहिए। यार कब तक ये छोटा मोटा हाथ मारते रहेंगे तिलक, कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक बहुत मस्त प्लान है। क्या प्लान बे? ये फिशिंग के चक्कर में ना, ये छोटा गेम में सोच, अगर एक बार अपन ट्रेस हो गए ना तो लंबा जाएंगे, बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत, फिर वो पैसे लेके ये शहर छोड़ देंगे। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं तू, प्लानिंग कर ली क्या? तू बोल तो बताओ। बेटा मैं सोच रहा था कि हम ये शहर छोड़ देते हैं और किसी दूसरे शहर में जाके नई शुरुआत करते हैं, जहाँ कोई कुछ ना जानता हो, वहाँ किसी अच्छे से लड़के से तेरी शादी कर देना। इससे बेहतर होता अगर हम पुलिस के पास जाते, पर आप दोनों को देख के मुझे हर बार ऐसा लगता है कि गलती मेरी ही थी। ना बेटा, ऐसा तो हमें कभी लग ही नहीं सकता। मैं तो तकलीफ में थी ना माँ, डरी हुई थी, तो आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया?
सर शिवानी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं। शिवानी की डिटेल्स को क्राइम डेटा से चेक करके देखा तो पता चला कि फ्रॉड का केस है। जनवरी 2019 में शिवानी ने कंप्लेन भी दर्ज की। अमला ने भी जिक्र किया था कि अजीत का कुछ एक महीने पहले पर्स चोरी हुआ था, वो भी उसके घर के बाहर से। ये शिवानी का फाइनेंशियल फ्रॉड और अजीत का पर्स चोरी होना, ये दोनों मामले के आपस में जुड़े हो सकते हैं। सर शिवानी ने जो कंप्लेन लिखवाई थी उसे साइबर सेल में फॉलो करके देखता हूँ, शायद कोई कनेक्शन मिले। अच्छा बताती हूँ, वो एक फ्रेंड से लिए। मैंने कहा था ना तुम्हें, कार खरीदने के लिए मैं लोन लूंगा। अजीत सुनो ना, तुम नया काम शुरू करने जा रहे थे, अभी ईएमआई की टेंशन लेते या घर चलाने की, बस इसलिए ले लिए। और ये अच्छी फ्रेंड है, 2 साल तक कुछ नहीं लेगी, उसके बाद तो धीरे धीरे करके लौटा ही देंगे ना हम। देखो दीवार भी खराब कर देना। अमला खाना खा लो। मन नहीं है मेरा। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, लो खाना। पीयूष अजीत की कार पुलिस स्टेशन में, जैसे ही मुझे मिलेगी उसको बेचकर तुम्हारे बचे हुए पैसे भी लौटा दूंगी। लौटा देना, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। खाओ खाना खाओ। सर अजीत के नेबर्स ने बताया कि वो किसी से बेमतलब की बातें नहीं करता था, तो पूरे चांसेस है कि किसी के साथ इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ होगा जिससे उसकी हत्या की जाए। लेकिन सर अजीत के बैंक डिटेल से एक बात सामने आई, वो हर महीने किसी सुरभि सिंह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। ये सुरभि कौन है? अमला ने कुछ बताया? एड्रेस है इसका? बैंक डिटेल में एड्रेस है सर, 3-4 महीने पहले अकाउंट खुला है। अजीत ने मेरी बहुत मदद की है सर, मेरा पति विष्णु मुझे बहुत मारता पीटता था, ये घर भी अजीत ने ही दिलाया, वो फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा था मेरी। अजीत मेरा बचपन का दोस्त था। हमें विष्णु का नंबर चाहिए। जी सर, मैं मानती हूँ कि विष्णु अच्छा इंसान नहीं है, मुझे मारता पीटता था, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता सर। इनफैक्ट पिछले 1.5 महीने में उसने मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तक नहीं की। अमला और अजीत के बीच रिश्ता कैसा था? ठीक था। आप कुछ छिपा रही हैं? सर दरअसल अमला को अजीत का मुझे हेल्प करना पसंद नहीं था, अमला को हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरे और अजीत के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है। तुम दोनों के रिश्ते को लेकर अमला को कोई शक था? हाँ, पर सर इसका अजीत के खून से कोई लेना देना नहीं है। सर मर्डर वाले दिन अमला 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर थी और अमला के कॉल डिटेल्स में ये एक हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है, पीयूष पुरोहित। इसका लोकेशन और अमला का लोकेशन दोनों सेम है जब अमला 2 घंटे के लिए घर से बाहर थी। इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ बाद में लौटा देती। मैं था कहीं ऐसा तो नहीं कि अमला को अजीत और सुरभि इन दोनों के अफेयर के बारे में शक हो गया हो, इसलिए उसने इस हिस्ट्री शीटर पीयूष पुरोहित को हायर किया हो। इस हिस्ट्री शीटर को ट्रैक करो और इस बारे में अमला से कोई बात मत करना, अमला के घर पर और अमला पर दोनों की मूवमेंट पर नजर रखना है। सर मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड की डिटेल्स भी मंगवाई, कोई एक लड़की है जो कस्टमर को कॉल करके उनसे पिन मंगवाती है, पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं वो बंद, फोन बंद, कोई अता पता नहीं। पता करो ये फ्रॉड विक्टिम्स कितने थे, हो सकता है ये शिवानी इन फ्रॉड्स में शामिल हो और ये फ्रॉड विक्टिम्स हमें शिवानी तक पहुंचा दें। अजीत का मर्डर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनता जा रहा था, इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर वीर साहनी का मर्डर और एक्टर शिवानी का लापता हो जाना पुलिस के लिए ये बहुत ही उलझाने वाली बात थी। कहाँ थी शिवानी? क्या पुलिस उस तक कभी भी पहुंच पाएगी? हाँ जी, अरे जिस हिस्ट्री शीटर को मर्डर के लिए हायर करते उसे अपने घर नहीं बुलाते? आपको क्या लगता है मैंने अपने पति को मरवाया इससे? सर ये हिस्ट्री शीटर होगा, लेकिन ये मेरा छोटा भाई भी है। भाई है? हाँ सर, मैं इसका छोटा भाई हूँ। तो फिर मर्डर के दिन छुपकर मिलने क्यों गई थी इससे? कि अजीत को नहीं पता था इसके बारे में। सर मम्मी पापा ने इससे सारे रिश्ते बहुत टाइम पहले ही खत्म कर लिए थे, जब पीयूष बार बार अरेस्ट होने लगा तो पापा ये बेइज्जती सह नहीं पाए, हार्ट अटैक से वो
अभी एक साल पहले ही हम दोनों की बातचीत वापस शुरू हुई। पीयूष ने मुझे कुछ पैसों से मदद की थी ताकि अजीत अपनी कार ले सके। और मैंने अपने काले धंधे कब के बंद कर दिए सर? पुराने केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। चल। अरे सर, सर सर पीयूष को बहुत तोड़ा पर वो मुंह नहीं खोल रहा। मुझे अजीत के मर्डर में कोई पर्सनल एंगल नजर नहीं आता। अजीत जरूर किसी मेजर इशू में फंसा हुआ था। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम्स की लिस्ट है। इसमें एक बात बड़ी कॉमन है मेहता, विक्टिम्स में 99% लड़कियां हैं, इक्का दुक्का मेल्स होंगे और सभी एलएनपी बैंक का अकाउंट होल्डर है। शायद शिवानी भी थी। और ये फ्रॉड करीब 3 साल पहले से चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से इन लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग ऐप पे से टारगेट करना शुरू किया। हाँ जी मैडम बोलिए। आपने इजी सेल ऐप पे अपना वार्डरोब डाला था ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं। और फिलहाल वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर ओल्ड लेडीज को टारगेट किया जा रहा है। सर अलीगढ़ में ज्यादा बूढ़े लोग नहीं होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। मैं तो एक काम करो, हेड ऑफिस से बात करो, पता करवाओ कि जितने भी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है उन लोगों के फोन को लाइव ट्रैकिंग पे डलवाओ। सर मुश्किल है कि ट्रैप में फंसे, पर कोशिश कर सकते। ये विष्णु के बारे में कुछ पता चला? सर लास्ट टाइम उसे अलीगढ़ बस स्टैंड पर देखा गया था। उसने सुरभि को साइन डाइवोर्स पेपर भी मेल किए थे। मैं तो विष्णु ने डाइवोर्स पेपर अगर साइन किए हैं तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। वो अजीत को क्यों मारेगा? सर इंटर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया मैंने। सर जो विक्टिम लिस्ट आपने मुझे चेक करने बोला था उसमें से पिछले साल ही एक विक्टिम ने आत्महत्या कर ली। क्या नाम है उसका? दिया नायक। ये जाफराबाद में रहती थी। दिया के साथ जो फ्रॉड हुआ था उसके लिए आए हैं जी। सर 15,000 रुपए निकाले गए थे दिया के अकाउंट से। 15,000 के लिए सुसाइड कर लिए? हमारे लिए 15,000 रुपए कम नहीं है। उस फ्रॉड कॉल में क्या बात हुई थी कुछ पता है? नहीं सर ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना पता था कि कोई लॉटरी निकलनी है जिसमें कार मिलेगी, कोई पासवर्ड स्कैन करना था लेकिन अकाउंट से पैसे कट गए। ठीक है अगर कुछ याद आया तो हमें कॉल कीजिएगा। अब भी बता देते, क्या पता मरने के बाद हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाता। इंसाफ मिलने से हमारी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। हेलो। हेलो मैम, मैं रजनी थोरे बोल रही हूँ। सेंट्रल वैक्सीनेशन एजेंसी से। क्या मेरी बात मीता गांगुली जी से हो रही है? हाँ बोल रही हूँ। मैम वैक्सीनेशन के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है लेकिन केवाईसी के लिए आपको एक पिन नंबर आएगा। आपको पिन नंबर हमें बताना होगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। सर वैक्सीनेशन करने वाले जितने लोग रजिस्टर थे उनका कॉल ट्रेस हो रहा था। उनमें से एक लेडी अमिता गांगुली, उन्हें फ्रॉड करने वाले का कॉल आया था। कांस्टेबल सुप्रिया उनसे बात करने वाली है। सुप्रिया जी सर, इसे बातों में फंसाई रखना जी सर, कम से कम 1 मिनट बात जरूर करना जी सर। फेच करो। हाँ दीदी बताइए ना मुझे क्या करना है, मैं कर देती हूँ। आप कौन? वो मीता गांगुली मेरी नानी है, मैं उनके घर ना गर्मी की छुट्टियों में आई हुई हूँ। वो उनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आती है ना। आपकी नानी की डिटेल्स का वेरिफिकेशन करना होगा। हाँ हाँ दीदी बोलिए ना। डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1952। अच्छा आपको एक पिन नंबर आएगा, वो पिन नंबर बताना तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ओके। अच्छा दीदी जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा फिर क्या करना होगा? आपके नजदीकी केंद्र में जाकर आपको वो मैसेज दिखाना होगा, वैक्सीनेशन लग जाएगा। अच्छा कल तो दीदी हम लोग मार्केट जाने वाले थे, कितना टाइम लगेगा इसमें? 15 से 20 मिनट। पिन नंबर आया 1 7 2 3 4 0। एक मिनट फिर से रिपीट करना 1 7 2 3। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। B12 गोमती नगर फोन ऑलरेडी बंद हो चुका है सर। 40,000 आ गए, मैं पैसे निकाल के लेके आता हूँ। आज पार्टी करते हैं। 40,000 में क्या पार्टी, थोड़ा बड़ा हाथ मारेंगे फिर पार्टी करेंगे। अच्छा कम से कम समोसा तो ले आना भाई।
सर सर अभी 5 मिनट पहले अजीत का फोन स्विच ऑन हुआ है. वेरी गुड, चेक करो शायद कोई ब्रेक पॉइंट मिल जाए. जी सर. और हाँ, वो दीपक और तिलक, उन्होंने अपना मुंह खोला? अभी नहीं, उनकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं. मॉडल SX4 अभी यहाँ पर स्विच ऑन हुआ था आधे घंटे पहले. हाँ सर, आज ही रिपेयर किया है. एक मिनट सर. ये रहा सर. कोई आइडिया है किसने दिया था रिपेयर करने के लिए? इतने लोग आते हैं यहाँ पे, सबका चेहरा याद नहीं रख पाते ना साहब. राव सर, आसपास के CCTV चेक करवाओ. शिवानी राघवन कहाँ है? कौन शिवानी साहब? एक्टर शिवानी, जिसने डायरेक्टर वीर की हत्या की और तब से गायब है, इसलिए सोच कर बोला. कहाँ है शिवानी? हम किसी शिवानी के बारे में नहीं जानते. हाँ हम स्कैम करते हैं, उसको भी किया होगा, पर कौन याद रखता है साहब? और ये मर्डर वर्डर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है. हाँ सर, हमें सच में नहीं पता शिवानी कौन है. फिर तो दिया नायक कौन है ये भी नहीं जानता होगा तू? अपनी अय्याशी के लिए मजबूर लोगों को लूटते हो, कभी सोचा उन पर क्या बीतती होगी? जनवरी 2019 में दिया के अकाउंट से 15,000 रुपये निकाले थे तुम लोगों ने, उसके बाद सुसाइड कर लिया उसने. सुसाइड के लिए उकसाने, फ्रॉड और फिशिंग के मामले में इतना अंदर जाओगे ना तुम लोग कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. सर, दीपक और तिलक की डिटेल मैंने हर पुलिस स्टेशन में भेजी थी. मसूद नगर पुलिस स्टेशन से एक पता चला है कि वहाँ पर दीपक के नाम पर एक खाली प्लॉट रजिस्टर्ड है जो पिछले 1.5 साल से विवाद में है. एग्जैक्ट एड्रेस है इसका? जी. एक मिनट धीरे. ये तो स्केलेटन है. मैदा, स्केलेटन फॉरेंसिक टीम को भेजो. जी सर. किसकी लाश गाड़ रखी है तुम लोगों ने? सर किसकी लाश? सर कौन सी लाश? सर हमें कुछ नहीं पता है सबके बारे में, क्यों फंसा रहे हो हमको? मसूद नगर में जो तुम दोनों का प्लॉट है वहां से एक लाश मिली है, शिवानी की है ना वो? सर हमारा कोई प्लॉट नहीं है सर. कौन सा मसूद नगर का प्लॉट? इन दोनों को तब तक तोड़ो जब तक सच नहीं बोलते. सर 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 हमें. हाँ साहब, यही आदमी है. ऐसी घड़ी उस आदमी ने पहनी थी, 100% पक्का साहब. यही आदमी मोबाइल रिपेयर करने के लिए देखे गया है. सर ये घड़ी ज्यादा महंगी नहीं लगती? पता करो किसने खरीदी थी और कहाँ से खरीदी थी. इसका हुलिया बता सकते हो? स्केच बनवाने के लिए थोड़ी बहुत शक्ल याद है. सर स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है. स्केलेटन शिवानी की है, उसके फादर के DNA से भी मैच हुई और रिपोर्ट के मुताबिक पेल्विक बोन इंजर्ड है. मतलब रेप? ब्रूटल रेप. किसके लिए प्रेस कर रहे? जिसके कपड़े वो तो रहे नहीं हो. मैं सोच रही थी हम सब बेच बाज के गांव चले जाते. क्यों? यहां दिया की यादें हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा. तुम्हें जाना है तो जाओ. सर दीपक बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, इसलिए मैंने प्लॉट के रजिस्ट्रेशन पेपर मंगवा ली. प्लॉट दीपक के नाम पर तो है पर दीपक का नहीं. मतलब यहाँ फोटो किसी और की है. प्लीज माफ कर दो. हाँ मैम, हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ. पसंद करता था तुम्हें, और तुम क्या कर रही थी वहां? यही करने जाती थी?
तुम दोनों अजीत को कैसे जानते हो? अजीत शर्मा, तब वो तो हमारा कॉलेज का दोस्त है। क्यों? लाश मिली है उसकी। सर, हमने किसी को नहीं मारा सर, हम स्कैम करते सब, और यहाँ पर तो लाश पे लाशें मिलती जा रही है। काले तो ना सर, मोमेंट, एक बात बताओ, ये अजीत शिवानी को कैसे जानता था? वो साहब ने बोला था कि वो एक एक्टर है, और अजीत भी एक हीरोइन के बारे में बात करता था कि वो बहुत सुंदर है और उसका दिल आ गया उस पर, ऐसा बोलता था। बेटा, अगर हम मान भी लें कि शिवानी का रेप और मर्डर अजीत ने किया होगा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अजीत को किसने मारा होगा? शायद दीपक और तिलक, उन्हें पता चल गया होगा कि अजीत ने ऐसा कुछ किया है, और झंझट से बचने के लिए उन दोनों ने अजीत को मार दिया हो। नहीं, वो दोनों ठग हैं। कौन आर्टिस्ट, किसी को इतना ब्रूटली मारना उनके बस की बात नहीं है, तो फिर अजीत को मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे साइड में करवाने में प्लीज आप मेरी हेल्प कर देंगे? भाई, सर, वो घड़ी की डिटेल मिल गई है, 18 लोगों को वैसी घड़ी बेची गई थी। क्या इस कस्टमर लिस्ट में कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं? यस सर। बोल, अमला 1 2 3, मेरी बेटी का वीडियो बनाया ना तूने? नहीं तो फिर क्या करता? पुलिस के पास जाता? उससे क्या होता, कोई पकड़ा भी जाता ना तो सालों तक केस चलता। इंसाफ कहां था? किस बात का इंसाफ चाहिए था? मम्मी पापा, मेरा अजीत ने रेप किया है, वो लोका कैब चलाता है, उसने रेप की तस्वीरें और वीडियोस निकाली थी, वो सबको बता देगा। मैं नहीं जीना चाहती, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी दिया, मुझे 3 महीने लग गए दीपक तक पहुंचने में, क्योंकि मैं कोई भी कदम उठाने से पहले श्योर हो जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने उस लड़की शिवानी को मारते हुए देखा, मुझे कोई अफसोस नहीं है उसे मारने का, क्योंकि उसने मेरी बच्ची के साथ जो किया ना, उसके लिए वो यही डिजर्व करता है। माना कि आप लोगों की बेटी दिया के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, अजीत उसका गुनहगार था, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सर, जब मैं अपनी बेटी से मिलूंगा ना, तो उससे नजरें मिला पाऊंगा। तेजी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा, इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन मैं उसे इंसाफ दिला पाया हूं। मेहता, ले चलो इन्हें। हमने ऐसा क्यों किया? गुमनामी की आड़ में बुरे काम करने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि देर से ही सही, लेकिन उनका असल चेहरा लोगों के सामने आता ही है। यही अजीत शर्मा के साथ हुआ, देर से ही सही, लेकिन उसकी असलियत सबके सामने आ गई। वहीं दिया के साथ जब क्राइम हुआ, तो अगर वेद और शांति चुप नहीं रहते, पुलिस के सामने पहले ही कंप्लेंट कर देते, तो अजीत, दीपक और तिलक बहुत पहले पकड़े जाते, और दिया के साथ जो नाइंसाफियां हुई वो नहीं होती। आज शायद दिया जिंदा होती। कानून को हाथ में लेकर दूसरे इंसान की जान लेना, ये कभी सही नहीं हो सकता। कारण कुछ भी हो, वेद ने जो किया वो गलत था, क्योंकि समाज में शांति बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क पे नई और सच्ची कहानियों के साथ। आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.